हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए ट्वेंटी फोर नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अभुदय योजना 2021 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये फॉर्म है ये आपके फ्री कोचिंग से रिलेटेड है अगर आप फ्री कोचिंग चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं वेरियस पोस्ट के लिए या वेरियस आपके यहाँ पर कोचिंग आपके लिए यहाँ पर रखी जाती है और आपको ये फ्री आपको कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी और इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है फॉर्म को फिल करना है अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है और उसके बाद आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा तो ये फ्रेंड्स एक छोटा सा स्टेप है जिसमें आप इस फॉर्म को फिल करेंगे और अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं आप आवेदन कर सकते हैं डिटेल्स और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकेंगी बात करते हैं अब इसके सबसे पहले रजिस्टर प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रिपरेशनरी जो क्लासेज हैं आपके वेरियस एग्जाम पोस्ट के लिए वो आपको दी गई हैं जैसे आप यूपीएससी यूपीपीएससी का मेंस या प्री एग्जाम के लिए कोचिंग करना चाहें सीडीएस के लिए जेई के लिए नीट के लिए एनडीए के लिए या फिर कोई भी अदर कंपिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे यूपीएस टेट या पीओ आप उसके लिए फ्री कोचिंग ले सकते हैं आपको इनमें से जो भी ऑप्शन के लिए आप अप्लाई करना चाहें आपको रजिस्टर नाव का ऑप्शन मिल जाता है तो आप दिए गए रजिस्टर नाव टेप पर क्लिक कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अब यहां पर कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी सबसे पहले

सेलेक्ट करना चाहें वो कीजिए इसके अलावा अगर आपने पहले से इसमें रजिस्टर कर रखा है तो रोल नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस देना है तो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है एड्रेस की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी जगह के डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाती हैं आप जहाँ के भी निवासी हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका जो पूरा एड्रेस है जो भी आप लिखते हैं अपने एड्रेस सेक्शन में वो आप यहाँ पर लिखेंगे मेंशन करेंगे और ध्यान रखिएगा आपका एड्रेस बिल्कुल आपको सही सही फिल करना है साथ में आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी बिल्कुल एक्टिव देना है और चालू कंडीशन में देना है जिससे आगे की जो फर्दर कन्फर्मेशन होगी वो आपको इन पर ही मिलेगी तो पहला स्टेप आपका इतना सा ही है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मेल फोन नंबर आपकी क्वालिफिकेशन साथ में किस डिवीजन के लिए है और साथ में यहाँ पर कौन सी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं है, वो आप देकर यहां से इसको सबमिट कर देंगे इसके बाद से यहां पर आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि आपका सफलतापूर्वक पंजीकरण हो गया है तो अब यहां पर देखिए ओटीपी वाला जो सिस्टम है जो पेज ओपन होता है वो ओपन नहीं हो रहा है आपको यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर पंजीकरण सत्यापित करने के पश्चात आपकी जो जानकारी है वो मेल के माध्यम से आपको सूचित कर दी जाएगी तो फ्रेंड्स आगे की जो भी सूचना होगी वो आपको मेल के जरिए मिलेगी तो फ्रेंड्स आपको वेट करना है जल्दबाजी नहीं करनी है अपने रजिस्ट्रेशन को आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं और आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें जिस भी कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहें वो आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं तो ये लिंक आपका एक्टिवेट यहाँ पर हो चुका है और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं जॉब रास्ता डॉट कॉम पर तो आपको करना क्या है आपको जॉब रास्ता डॉट कॉम पर विजिट करना है और वहां पर फ्रेंड्स आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी तो फ्रेंड्स यहां पर अब जो यूपी पी योजना है रजिस्ट्रेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन है ये फ्रेंड्स इसके लिए चालू की गई है जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है अगर वो वीक हैं और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर इसका बेनिफिट ले सकते हैं दस फरवरी दो हज़ार इक्कीस से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे नहीं करनी अगर यहाँ पर डिटेल्स की बात करें तो फ्रेंड्स दसवीं क्लास पास आउट बारहवीं क्लास पास आउट या डिग्री होल्डर या पी डिग्री होल्डर्स कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप वेरियस कोर्सेज के लिए यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो अब कोर्सेज यहाँ पर जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप चाहे पी के लिए अप्लाई करें टीचर की भर्ती के लिए अप्लाई करें एनडीए नीट जेई यू पी के वेरियस पोस्ट के लिए या यू की वैकेंसीज के लिए जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं या फिर अदर एग्जाम होते हैं उनके लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें आप यहां पर कर सकते हैं एगी एलबीटी कंडीशन की अगर आप मूल निवासी हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं आपके कार, राशन कार, पास आधार कार्ड कार्ड आपका जरूरी है अगर आप यहां पर इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो, तो फ्रेंड्स यूपी सरकार के यूपी मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना स्टार्ट की गई है ये अच्छी योजना है और देखा जाए तो ये ऑल इंडिया में चालू होनी चाहिए क्योंकि जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है और कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते जिनकी महंगी महंगी फीसेस होती हैं उनके लिए फ्रेंड्स यहां पर ये यह अच्छी न्यूज होती है अगर आप यहां पर फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्री कोचिंग ले सकते हैं तो आपके लिए ही बेनिफिट रहता है तो फ्रेंड्स यहां पर जो यूपी सरकार ने ये जो स्कीम चालू की है वो बहुत अच्छी स्कीम है अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो भी आपकी जो कोर्सेज होंगे जो भी कोचिंग में आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसमें आपको आपके सिलेबस हैं क्वेश्चन बैंक्स हैं मतलब क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर हो गया उसके अलावा जो स्टडी हो गया ऑनलाइन कंटेंट हो गया वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा अब यहाँ पर फैंस अट्ठारह डिवीजनल हेडक्वार्टर्स रखे गए हैं जैसे कि हमने अप्लाई किया था तो स्टार्टिंग में आपसे डिवीज़न मांगा गया था तो अब वो डिवीज़न आपको सेलेक्ट करना होगा उस डिवीजन के अकॉर्डिंग ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी इसके की बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी हैं आपको सारे डिटेल्स जो भी आप अपने एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी बुक्स से रिलेटेड या फिर आपके उसके आपके सिलेबस से रिलेटेड उसके ई कंटेंट से रिलेटेड वो सब आपको इस योजना के अंतर्गत मिलेगा तो ये, ये यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी अभी वेबसाइट फ्रेंड्स से हो सकता है थोड़ी स्लो वर्क करे जैसे मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं तो थोड़ी स्लो ओपन हो रही है तो अगर आपकी ओपन स्लो होती है आपको वेट करना होगा और जैसे ही ओपन हो जाएगी आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो ओपन हो जाएगा और आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे अब जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है कि आप यहाँ पर जो चार स्टेप है उसमें इस फॉर्म को कंप्लीट करते हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं और इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर फॉर्म को फिल करते हैं और उसके बाद वैलिडेट करते हैं डिटेल्स को तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओ वाला जो सेक्शन है वो आपका ओपन नहीं हो रहा है डायरेक्टली प्लीज़ वेट के बाद आपको सफलतापूर्वक आपका जो ये मैसेज है वो आपको शो कर रहा है तो अगर आपका यहाँ पर ओ नहीं भी आ रहा है और आपको मैसेज मिल रहा है तो आप उससे ही काम चलाएँ थोड़ा वेट ज़रूर करें अगर फ्रेंड्स ट्वेंटी आवर्स में आपके पास कोई ओ या मैसेज आता है तो फ्रेंड्स उसके बाद आप कंफर्मेशन मिल जाएगी तो हो सकता है कि साइट के डाउन की, की वजह से वो ओटीपी वाला सिस्टम यहां पर चालू नहीं किया गया हो और अगर ये आपके ओपन होता है तो अच्छी बात है आप उसे वैलिडेट कर सकते हैं आपकी मेल आई को और आपके यहां पर जो मोबाइल नंबर है उसको दोनों को ही ओ को वेरीफाई करने के बाद कन्फर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगा तो यहां पर फ्रेंड्स ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी करने के लिए यूपी की जो योजना है अबुद्य योजना टू थाउजेंड फ्री कोचिंग योजना है इसका फ्रेंड्स फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की साथ में फ्रेंड्स आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स हमने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी है जॉब पर ऐसी ही स्कीम ऐसे ही नोटिफिकेशंस के लिए फ्रेंड्स लगातार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए देखते रहिए जिससे आपको लगातार लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे तो यहां पर फ्रेंड्स आपको पर लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड जानकारी मिल जाती है रिजल्ट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है तो फ्रेंड्स अगर आपने पर विजिट नहीं किया है एक बार विजिट जरूर करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग